निजाम कांग्रेस पार्टी का यह है आजकल कि असदुद्दीन ओवैसी गोशामैल नहीं लड़ते। और क्यों नहीं लड़ते? 2009 में राजशेखर रेड्डी सीएम बने, अरे 2004 में बने, मेरे अच्छे ताल्लुकात थे उनसे क्योंकि मैं एमएलए भी था उनके साथ। 2009 में मुकेश बने, मुकेश गौड़, हम उनकी मदद करे, उन्होंने जीत गए। 2014 में उन्हों क्या हुआ, उन्हों इलेक्शन लड़े, हार गए, हम नहीं लड़े। फिर 2018 में क्या हुआ मैं आपको बोलता हूं, वो भी फोन खोलना पड़ता था। तो 2018 में क्या हुआ, गोशामैल में हम नहीं लड़े। अब ये आरएसएस अन्ना जो है, जुम्मा 8 दिन हुआ सियासत में आके, उनके इन्हों पहले थे आरएसएस में, कांग्रेस के जो मौजूदा सदर है उन्हों पहले थे आरएसएस में। उन्हों अपनी बचपने से अपने 22-23 साल की उम्र तक आरएसएस की चड्डी पहन के लट फिराते थे। बाद में 3-4 साल पहले आरएसएस वाले बोले, भाई 90 साल बहुत चड्डी पहन लिया, पैंट पहनेंगे। मगर इन्हों चड्डी पहन के लट फिराए। तो 2018 में क्या हुआ, गोशा महल में 61,000 के करीब उनको मिले, मलून को, तो बीजेपी को माने, सॉरी गलती से बोल दिया, बीजेपी, टीआरएस को मिले 44,000। कितना फर्क है भाई, 44 इनको, 61 इनको, कितना है? मैथ्स में मैं जरा कमजोर हूं। आरएसएस अन्ना, अब तुम्हारे को आता मैथ्स? 44 से 61 कितना फर्क है बोलो आप? हाँ, 17,000, 17,000 का फर्क है ना। कांग्रेस कितने वोट ली? सही बोले अम्मा, वो चाल 26,322 कांग्रेस ली। अरे मेरे को, मेरे पीछे पड़ गए, तुम ले रहे उसको जिता रहे, तुम डील कर लिए, यहां पे हम काटते, एलबी नगर में मेरे को एमपी बना दो। 26,000 तुम लिए, 44,000 कांग्रेस ली और मित्रों की पार्टी 61,000 ली। तुम क्या कान में, हमको समझ रहे, हमारे कान में फूल है बोलने पे आए तो? तुम क्या, तुम्हारे बाप भी सामने नहीं ठहरते मेरे? आप हमारे को बोलना नहीं ठहरते वहां पे? अरे तेरे को जिताए थे ना 2009 में मुकेश को, 2014 में मुकेश को कोशिश करे, 2018 में तुम खड़े हो गए, बोल भी रहा था मत खड़े रहो, तुम खड़े हो के वोट काटे। मैं असद साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में है, असद साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत लोग आए, असद साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में नेहरू जू भी है, क्या करूं मैं? असद साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में चार मीनार भी है, हमारे बुजुर्ग बनाए सो है, किले गोलकुंडा भी है, 400 साल पुरानी मंदिर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है, 400 साल पुरानी, किसको भी नहीं मालूम, ये हैदराबाद है, इसकी खूबसूरती है, मालूम ना मालूम, बस अपने दखनीय कहावत है, दीवाने उठे सर को मुसल लपटे बोलते, इसका हाल वही है।